दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे VRAM डेडिकेटेड रैम या रैम को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है आसान सा ट्रिक्स आजमा करके। तो आइए जानते हैं कैसे होगा। जिस तरह से दिखाया जाए स्क्रीन पर डिस्प्ले एडाप्टर सेटिंग्स को खोलेंगे और सेटिंग्स को खोलते ही आपको ऐसे दिखेगा डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी 128 MB और सिस्टम वीडियो मेमोरी 0। थोड़े से आसान ट्रिक्स आजमाएंगे तो इसे 512 MB तक बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे होगा। जिस तरह से स्क्रीन में दिखाया जा रहा है आप भी अप्लाई करें और देखिए ये एडिटर पे जा कर के रैग एडिट करें। रैग एडिट खुलते ही आप सिस्टम के कंप्यूटर में जा कर के एक ही लोकल मशीन खोलेंगे। लोकल मशीन के बाद सॉफ्टवेयर खोलेंगे, सॉफ्टवेयर के बाद इंटेल खोलेंगे। इंटेल को खोलते ही आप उसमें एक न्यू की अप्लाई करेंगे। इंटेल में न्यू की जैसे ही अप्लाई उसे फिर रीनेम करेंगे GMM कैपिटल में लिख करके और फिर उस फोल्डर में आप न्यू की अप्लाई करेंगे और न्यू की अप्लाई करेंगे तो DWRO32 अप्लाई करेंगे। उसके बाद न्यू की का वैल्यू लिखेंगे जैसे लिखा हुआ डेडिकेटेड सेगमेंट साइज और इसे लिखने के बाद आप इसकी वैल्यू सेट करेंगे। वो वैल्यू देखिए आप स्क्रीन में ध्यान से मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए आप वैल्यू डाटा और ये देख लें हेक्सा डेसिमल पे क्लिक होना चाहिए और वैल्यू डाटा यहाँ आप इंटर करेंगे न्यूमेरिकल तो आपको वहाँ 128 MB मिल रहा था, आप 384 यहाँ इंटर करेंगे और फिर ओके कर दें तो आपका टोटल 512 MB हो गया, 512 MB कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब रिफ्रेश करें और रिफ्रेश करने के बाद आप चेक कर लें फिर कि आपका आया कि नहीं। तो अगर नहीं आता है तो आप कंप्यूटर को या लैपटॉप को देखिए यहाँ दिखा रहा है कि अभी तो नहीं आया है तो इसे रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट के लिए आप जाएं ऑप्शन में, पावर में जाएं, रीस्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। रीस्टार्ट होने के बाद ये जो न्यू मेनू खुलेगा उसके बाद फिर आप चेक करें डिस्प्ले सेटिंग पे जाएं। डिस्प्ले सेटिंग पे जाने के बाद एडवांस डिस्प्ले सेटिंग डिस्प्ले एडाप्टर और ये देखिए आपका फाइनली 512 MB। दोस्तों इस तरह से आप थोड़े से मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।